बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ काबुल में यतीम बच्चों के एक सेंटर में मौजूद हूँ। ये बच्चों का सेंटर अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर बनाया गया है। ये हुकूमत की तरफ से चलाया गया एक सेंटर है और इस सेंटर में तकरीबन 250 के करीब बच्चे, छोटे बच्चे और बच्चियां रिहाइश पजीर हैं। इस वक्त में ये बच्चे जो इस वक्त मौजूद आप देख रहे हैं, ये 22 के करीब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और इसी तरीके से तकरीबन 50 के करीब बच्चियां मौजूद हैं जो छोटी बच्चियां हैं। और ये छोटे बच्चों का अलग सेटअप है, बच्चियों का अलग है। इसमें इस वक्त कोई तआवुन नहीं है। इस पिछले 3 महीने से इन बच्चों और बच्चियों के लिए कोई तआवुन नहीं है। जो स्टाफ है उसकी सैलरी ही अदा नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना है। इंशाल्लाह खुबैर फाउंडेशन आपके तआवुन से यकीनन कुछ ना कुछ इन दोस्तों को, इन बच्चों को हम जरूर तआवुन करेंगे, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन बच्चों के लिए खुराक की शदीद जरूरत है, सर्दी आ रही है यहाँ पर, इसकी जरूरत है कि सर्दी में हम इनको कपड़े दें और इस तरीके से दीगर जो चीजें हैं उनकी जरूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन बच्चों की खिदमत करें। इस वक्त ये यतीम खाना सरकारी यतीम खाना है। इसमें हुकूमत के पास असबाब वसाइल की कमी की वजह से सारे इदारे परेशानी का शिकार हैं। हम कम अज कम यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। जज़ाकअल्लाह खैर।